हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी है, उनसे बात करते हैं। सुधांशु जी, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है उत्तराखंड में, यूपी का भी रिकॉर्ड भंग कर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा कोई सरकार आए, परंतु उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे जनादेश के साथ आती जा रही है। ये उत्तराखंड से आप देखिए तो मणिपुर तक, यानी उत्तर से पूर्वोत्तर तक, उत्तर प्रदेश गंगा जमुना के मैदान से गोमान तक यानी गोवा तक, सब तरफ जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि गोवा और मणिपुर में जो फिगर अभी भी ट्रेंड चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोवा में भी सरकार दोबारा आ रही है, मणिपुर में भी सरकार दोबारा आ रही है। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए, हमें दोनों जगह स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये दर्शाता है कि चाहे क्षेत्र कोई हो, राज्य कोई हो, मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नई राजनीति, जो सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी, विश्वसनीयता की 2014 में शुरू हुई थी, वह अब सब तरफ स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। और यूपी में देखें तो 14, 17, 19, 22 चौका मारने की तैयारी में भाजपा है। 24 में भी चौका मारेंगे फिर यूपी से? अभी तो फिलहाल 22 की बात करें, हम हर चुनाव को उतनी गंभीरता से लेते हैं और जिस प्रकार से जनता हमें समर्थन दे रही है, हमें आशा है कि आगे भी। ये तो प्रो गवर्नमेंट की बात हो गया त्रिवेदी जी, अगर पंजाब की बात करें जो यहाँ पे एंटी कमेंसी था लेकिन भाजपा को वहाँ पे फायदा नहीं मिला, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ग्रो कर रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पंजाब एक ऐसा राज्य था जहाँ हम कभी 20-21 से ज़्यादा सीटें लड़े ही नहीं, क्योंकि हमने राष्ट्र के हित में अपने राजनीतिक हित को पीछे रखा। यानी हम मुश्किल से 15% सीट भी नहीं लड़ते थे, 10-15% सीट लड़ते थे। पहली बार हम 50% लड़े हैं। आश्वस्त रहिए, जिस दिन हम 100% सीटें लड़ेंगे उस दिन पंजाब में भी बड़ा परिवर्तन दिखेगा। बोल रहे ही विल टेक पोजीशन ऑफ कांग्रेस, मतलब सेकंड पोजीशन में आएंगे, भाजपा को आगे दिक्कत कर सकते। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी की पालकी कांग्रेस ने ढोई थी दिल्ली में, और पालकी ढोकर कहां तक पहुंचा दिया ये उनको स्वयं सोचना चाहिए। तो वहां जो सत्ताधारी दल था उसके लिए विचार करने का विषय है। और जिन दलों ने भाजपा के विरुद्ध पंजाब में इतनी राजनीति की थी, अगर उस नजरिए से देखें तो उनके लिए विचार का विषय है। सवाल आ रहा है आपके लिए कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को बी पार्टी बना के आप कांग्रेस को हराए, आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को प्रत्यक्ष समर्थन देके सरकार तो कांग्रेस बना चुकी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जो कुछ अब वो जो अपने मन में कहना चाहें कहें, अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड आप ऐसा कर चुके हैं, और वो भी जबकि आम आदमी पार्टी ने लिखित में समर्थन मांगा था। यहाँ एक और बात मैं रोचक कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की सरकार ही एकमात्र सरकार थी जिसने किसान बिलों को अपनी विधानसभा से पारित कर दिया था, इसके बावजूद वो प्रचंड बहुमत प्राप्त कर रही है। तो फिर जो अन्य दल कह रहे थे, जरा एक बार वो अभी विचार कर लें। के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, कहाँ पे सवाल उठ रहा है? पंजाब में, सारे उत्तर प्रदेश में भी उठ रहा है, पंजाब में भी उठ रहा है, कांग्रेस उठा रही है कि वहाँ पे आप जानबूझकर उनको हरा रहे हैं, यूपी में इतना महंगाई के बाद भी 300 के पार, हाउ इज इट? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब उन्होंने बहुत दिन तक कहा कि हमें सरकार चलाना आता है, हम लोग बचपन में सुनते थे, अब जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना नहीं आता, तो कम से कम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी चाहिए यह भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आपण शुणुले त्रिवेदी प्रतिक्रिया, सी जो प्रतिक्रिया रखुच्च निश्चित भाव चारोटी राज्य से गवर्नमेंट को फेरुंच जोटी आंटी गवर्नमेंसी थी पंजाब में, निश्चित भाव से भल प्रदर्शन करेंगे आगामी दिन में, जेहेतु आगु केवे अधिक सीट्रे लड़ी ना, हे तो तार गोटे फायदा बर्तमान लोकों पाखे अवसर नाला आम आदमी पार्टी को जाइए, तेज निश्चित भाव रेजल्ट कौन आसो किसी घंटा पर हूँ तो पूरा स्पष्ट हो जापे। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सहित अर्गस न्यूज।